मैं नेहा के मेहता, और ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि शैलेश जी आज हमारे बीच है ठीक ठाक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। दूसरे शो में बिजी है इसलिए आज हमारे बीच नहीं है। तो आज शो मुझे ही होस्ट करना पड़ेगा। कि बैंड वालों को भी मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं है। लखन भाई, बाबा। सो हेलो एंड वेलकम टू द शो। ये मेरे गले को क्या हो गया? नो प्रॉब्लम्स। तो चलिए मेरे साथ कहिए, वाह वाह क्या बात है। भगवान जी, ये क्या सरप्राइज दे रहे हो? शैलेश जी के साथ शो करते करते मुझ में वो खुद समा गए क्या? दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं मेरी ऑडियंस को सरप्राइज दे रही थी, आपने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। ये है सरप्राइज का बाप। अब चुप रहिए आप। आपका वक्त समाप्त हुआ और अब समय शुरू होता है उस कार्यक्रम का जिसमें आप और मैं मिलकर कहते हैं वाह क्या बात है। जिंदगी में हर आदमी को सरप्राइज बड़ा अच्छा लगता है। प्रेमिका सही समय पे आ जाए तो सरप्राइज। हाँ? तनख्वाह महीने के आखिरी तक खत्म ना हो तो सरप्राइज। बच्चों को बगैर मांगे खिलौना मिल जाए तो सरप्राइज। और मोहब्बत में बिना कुछ कहे सामने वाली लड़की मुस्कुरा दे तो सरप्राइज। और अगर मैं आपकी तरह किस दिन बोल पाऊं तो सरप्राइज। क्या बात है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी तरह किस दिन बोल पाएंगे, लेकिन हम उन्हें बुलाते हैं जिन्हें बोलते हुए सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। और जो जिंदगी में हमारे लिए जहां हंसी बड़ी कम हो गई है, खुशी बड़ी कम हो गई है, वहां हमें हंसी के सरप्राइजेस देते हैं। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज कि आज हमारे साथ हमारे तीन ऐसे कवि मित्र हैं जिन्हें सुन के आप कहेंगे कि भाई वाह वाह क्या बात है। सरप्राइज की बात कर रही थी आज नेहा के मेहता, और जिंदगी में सरप्राइजेस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे कवि हमारे साथ में बैठे और इनके साथ भी जिंदगी में सरप्राइजेस जुड़े हुए हैं। जैसे पहले कवि किरण जोशी, ये जिस कार्यक्रम में जाते हैं आयोजक के लिए बड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि आयोजक ये सोचता है कि वो आ रही है किरण जोशी। हाँ, और जब ये जाते हैं तो उसके बाद जो आयोजक के चेहरे पे निराशा होती है वो ठीक वैसी होती है जैसी इस वक्त अनु सपन के चेहरे पे है। अनु सपन, आप इतनी निराश क्यों बैठी हैं? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और ख़ास तौर से आज इस सेट को देखकर और आपको देखकर और आपके जोड़े को देखकर। देखिए, ये भारतीय आदमी सरप्राइज देता है। बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, शब्द कुछ और कहते। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही। अब खुशी नजर भी तो आनी चाहिए। अनु, जरा मुस्कुराओ, खिलखिलाओ। इतनी तेज तो मुस्कुरा रही हूँ कि पूरे दांत नजर आ रहे हैं। क्या बात है। तो पूरे दांत जिनके मुस्कुराने में नजर आ रहे हैं वो अनु सपन है जो भोपाल से आती है, किरण जोशी अमरावती से आती हैं, और वरुण चतुर्वेदी जी मुंह खोल के इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे हैं कि दांतों के नाम पे अब कुछ अवशेष रह गए हैं। कुछ शेष है। इन्हें बताइए वरुण का मतलब क्या होता है? वरुण का मतलब तो जल का देवता है। जल का देवता है। और मैं आपसे क्या क्या कहूँ, आप तो चंद्रमा के समान चमक रही है, पूर्णिमा का चंद्रमा है आप तो। धन्यवाद। यानी कि इस उम्र में भी जल का देवता चांद पे बरसने को तैयार है। भाई क्या बात है। वरुण चतुर्वेदी जी बहुत अच्छे। तो आइए सबसे पहले हम महफिल की शुरुआत करते हैं उससे जो जल के देवता का नाम अपने साथ रखता है लेकिन हास्य की बरसात करता है, वरुण चतुर्वेदी। जोरदार ताली से स्वागत। कुछ पंक्तियां मैंने बहुत समय पहले लिखी थी शैलेश जी। जी, मैंने एक फार्मूला इजाद किया था, आविष्कार किया था। जी, वो फार्मूला कुछ उसकी मुख्य पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ। सुनाए क्या आविष्कार था? कि जरा मुश्किल है ये थोड़ा खोलते पानी में सोड़ा, कि इस पानी में एक एक कर नेता डाले जाएं, इस पानी में एक एक कर नेता डाले जाएं, और रगड़ पहुंच कर फिर निचोड़ कर सभी निकाले जाएं, गंदगी तभी मिटेगी यार भले ही मर जाएं दो चार। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन अमल नहीं हुआ तब हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं।
मैं कुछ फिल्मों की बात करना चाहता हूँ शैलेश जी। जी दो मुक्तक पढ़ता हूँ जी। कि गंदे गीत चले फिल्मों में, सबकी नींद हराम हुई। क्या बात है, हाय जवानी ऐसी आई, मुन्नी भी बदनाम हुई। क्या बात है, और एक सुकन्या चीज बन गई, ऐसा नशा जवानी में, और सुंदर सुंदर एक हसीना देखो सर का बाम हुई। भाई क्या बात है, कि पल पल टिंकू जिया न माने, पल में पहुंचे चितरंजन, और धक 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 करे धका धक, सीटी दे दिल का इंजन। और प्यार व्यार सब धरा रह गया, फुर्सत उसे नहीं मिलती, और टूथपेस्ट को छोड़ पिया जी, इश्क का बस घिसते मंजन। और जब ऐसे गीत सुने शैले जी, जी तब मैंने कोशिश करी धुन तो फिल्मी हो पर गीत अपना हो। अच्छा, तब मैंने फिर प्रतिगीत लिखना शुरू किया, उसको अंग्रेजी में पैरोडी कहते हैं, आप लोग समझते हैं जी। ये घटना शादी के बाद घट गई, दुर्घटना बन गई। पंक्तियां निवेदन करता हूं। क्या हुई मेरी शादी, अच्छा हो गई बर्बादी, जाने दिल क्या है मुश्किल, चूख के मेरी सेहत रह गई आधी। क्या हुई मेरी शादी, क्या बात है, मेरी घरवाली है गुस्से वाली, बमसी कभी तो कभी दुनाली, रोटी बनाए खाई न जाए, छोटी पड़े उसको थाली, झोंकू दे सब्जी में मिर्च कभी तो कभी डालती नमक नहीं। क्या हुई मेरी शादी, हो गई बर्बादी। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ शैलेश जी, कि सास ससुर हुए फूल के कुप्पा, उनके गले से टली है बला, जैसे गधा कोई रेंके कहीं पर, ऐसा सुरीला मिला है गला। ऐ खुदा तेरी दुनिया में यही थी, जो मुझे दूसरी मिली नहीं। क्या हुई मेरी शादी। नमस्कार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है वरुण जी, आपने कहा कि आपकी सेहत आधी रह गई शादी के बाद, और शादी के बाद आधी सेहत में भी आपने ये जो गीत की मुनादी की है बड़ी कमाल की थी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया आपने। लेकिन जिंदगी के अंदर देखिए साहब, बर्बादी तब भी होती है जब आदमी शादी करता है, और जब शादी नहीं करता तब मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत में दिल तो आबाद हो जाता है लेकिन बाकी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन मोहब्बत में और भी क्या क्या होता है ये हमें अनु सपन बताएंगे, जो भोपाल से आई है। दुष्यंत कुमार की गजलों पर डॉक्टर अनु सपन ने PhD की है, लेकिन मोहब्बत पे तो अगर PhD से कोई बड़ी डिग्री होती तो वो भी इन्होंने की है। डॉक्टर अनु सपन, जरा जोरदार तालियां। मैं कुछ श्रृंगार के, प्यार के कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। देखो कितने सितार बजते हैं, दिल के सब तार तार बजते हैं, जब से तुमने मुझे निहारा है, मुझ में घुंघरू हजार बजते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने कि गम का श्रृंगार कर लिया हमने, दिल को बीमार कर लिया हमने, मौत आती है हमको आ जाए, आपसे प्यार कर लिया हमने। चार पंक्तियां आपको नजर करता हूँ जी। कि प्यार मांगा है तुमने बड़े प्यार से,
दिल हर एक का समझ लो मचल जाएगा, और तुम भी प्यासे रहे और प्यासे हैं सब, प्यार कर लो मुहूर्त निकल जाएगा। देखिए प्यार का मुहूर्त तो मेरा 16 बरस पहले हो गया था जी। आज के मुहूर्त से कोई इसका वास्ता नहीं है वरुण जी। ये 16 बरस पहले जब ये 38 साल की थी। आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। चलिए आइए, प्रेम की बात चली है तो मैं एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ, प्यार का श्रृंगार का मनोहार का गीत सुनिएगा। चली चली रे, चली चली रे पवन पुरवाई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई मुझे आई तुम्हारी याद, याद मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी फड़क गई, मन में लगन लगी तन में अगन लगी, आग ओरी आए की लगाए गई बरखा, प्रीत की ये कैसी रीत, कभी हार कभी जीत, गीत मन मीत के सुनाए गई बरखा। जब रिमझिम पड़ी फुहार, जब रिमझिम पड़ी फुहार, उमंगे भड़क गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई मुझे आई तुम्हारी यार। गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ। रुन झुन की ये धुन सुन सुन, लाज से लजाए गई है मेरी पंजनिया, बीत कितने ही मास प्रियतम नहीं पास, कब से उदास मेरी नाक की नथनिया, मेरी उम्र है 16 साल, साल मेरी उम्र है, मेरी उम्र है 16 साल, उमरिया भटक गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई मुझे आई तुम्हारी। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत है। नजरे झुकाए चलू, अचरा बचाए चलू, खुद को छुपाए चलू, टोके ना ये दुनिया, वाह वाह वाह, मिलन की चाह देखूं, सजन की राह देखूं, लाख छुपाऊं राज खोले पयलिया, मैंने रखे सहम कर पाऊं पाऊं, मैंने रखे सहम कर पाऊं, कमरिया लचक गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी भड़क गई। बहुत अच्छे अनु, क्या बढ़िया गीत सुना। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को दाद देना चाहता हूँ, जितने आत्मविश्वास के साथ तुमने कहा कि मेरी उम्र है 16 साल। बिल्कुल है, हम भी मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट कौन देखता है। खैर साहब, अनु ने कहा कि मेरी उम्र है 16 साल, लेकिन हमारे जो हास्य कवि हैं, जो वो मोहब्बत भी करते हैं तो बड़े अलग अंदाज से करते हैं। हमारे एक मित्र कवि हैं, हास्य रस के कवि, और मोहब्बत करने की कोशिश की, श्रृंगार में बोले दो पंक्तियां लिख दो, तो बड़ा जोर लगा के पहली पंक्ति लिखी। मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। इरशाद जी, सीप जैसी खूबसूरत है तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। भाई हास्य कवि जो होता है वो तो यही कर सकता है, और हमारे बीच में एक हास्य कवि है जो यही करते हैं, किरण जोशी। जोरदार तालियों से स्वागत करें अमरावती से हमारे बीच में। आप सबको नमस्कार। शैलेश जी ने मेरे बारे में कहा, किरण जोशी नाम है, ब्रह्म में आ जाते लोग, सरनेम में भी जो है वो शी है, तो इसलिए लोग इसी नजर से देखते। लेकिन नाम रखना माँ बाप की तत्कालीन व्यवस्था है जी। अपन उस समय तो बोल नहीं सकते माँ बाप को कि ढंग का रखो। तो मैं तो एक बार बनारस गया था, एक आदमी मेरे पास आया, बोले साहब अच्छा हुआ आप आ गए, दो जुड़वा बच्चे हुए उनके नाम रख दो। मैंने कहा रख दो वरुण, शैलेश कितने बढ़िया नाम है। बोले नहीं साहब, पत्नी की शर्त है जैसे पहले 5 के थे वैसे के होना। मैंने कहा पहले के 5 के क्या थे? बोले गजाधर, धरणीधर, श्रीधर, लीलाधर, बंसीधर। मैंने कहा छठवे का रख दे इधर, और सातवे का उधर, आठवा हो गया तो मेरे पास आना, मैं उसका नाम रख दूंगा किधर।
और नौवा पैदा कर लिया तो तेरा नाम बदल दूंगा कि अब सुधर। उसको घर आने से मतलब था। और ये नाम तो उस समय रखा जाता है, अभी श्रृंगार की बात कर रही थी, वरुण जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, अपनी बर्बादी तो बता दी और दूसरा मुहूर्त पकड़ने पे तुले। अबे प्यार मोहब्बत वगैरह बात क्या है, पुरानी हो गई, अपन तो उसमें आउटडेटेड हो गए जी। पुराने गाने में भीख मांगनी पड़ती थी प्यार की, इस पेड़ के पास हीरो खड़ा रहता था, वहां हीरोइन खड़ी रहती थी, और वो ये वहां से गाता था, पांव छू लेने दो ओठों पे इनायत होगी। प्यार की भीख मांगनी पड़ती थी उस जमाने में, आज के जमाने में नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि वही आती हुई बोलती किसमी किसमी किसमी। टच मी। ये सामाजिक व्यवस्था का भी मामला है। अब अपन इस फील्ड से गायब हो गए, क्योंकि अपने लिए तो वो है, वो आती रही मिलती रही, इसी को प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई अपन रविवार समझ बैठे। ये सारी बातें होती रहती है हमारे साथ। एक कविता बड़े अजीब रासायनिक ढंग की है जी, इसमें रसायनों का वर्णन किया है, एक स्लोगन बना है, राष्ट्रीय स्लोगन हो गया है, आई लव यू। तो मैंने सोचा कॉलेज में जाकर स्थिति देखे क्या है, तो मैंने कॉलेज का हाल वर्णन किया है कि कल जैसे ही मैंने आंख लगाई माँ शारदा की छवि उभर आई, वे कुछ गुस्से में बोली, मैं अभी अभी केमिस्ट्री के कक्षा से आ रही हूँ, वहां रसायनों की जगह बोर्ड पर लिखा है आई लव यू। क्या यह है कोई नया वायु? मैंने कहा देवी क्षमा करना, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, महाविद्यालय का हाल संक्षेप में बता रहा हूँ, जब भी किसी खाली पीरियड में छात्र छात्राओं का उचित तापमान में ग्लूकोज के सानिध्य में वार्तालाप होता है, अच्छा, तब आंखों के अधसरण प्रणाली से प्रेम वायु बनता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तब ये उसका पृथक्करण है, और जो बोर्ड पर लिखा है ना वो रासायनिक समीकरण है। बहुत अच्छे है भाई, बहुत अच्छे। इन शब्दों का चुंबकीय आकर्षण फिजिक्स भी हटा नहीं सकता, और आई लव यू की डेंसिटी आर्किमिडीज भी बता नहीं सकता। बहुत अच्छे। अरे ये ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला है, इसके आगे पाइथागोरस का सिद्धांत भी साफ हो जाता है, इसमें लड़का और लड़की प्लस माइनस बेचारा बाप हो जाता है। बहुत अच्छे। इसमें लड़का और लड़की प्लस और माइनस बेचारा बाप हो जाता है। और आजकल जहां साइकिल पर बम विस्फोट होते हैं, टिफिन बॉक्स में होते हैं, पुराने ट्रांजिस्टर में होते हैं, आजकल के इस बम को आतंकवादियों ने इतना फालतू बना दिया, अगर आज के इस बम को वो आज़ादी के पहले का जो खुदीराम बोस ने असेंबली में फेंका था, भगत सिंह का इरादों वाला वो बम था, वो बम अगर आज के बम को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? क्या बात, क्या बात? कि बेशक कहो मैं बेरहम हूँ, बेशक कहो मैं बेरहम हूँ, हाँ भाई साहब मैं ही बम हूँ। पहले मेरा भी एक नाम था, सीमा की रक्षा, दुश्मन का विनाश ही मेरा काम था, मेरे भीतर उस समय बारूद थी स्वाभिमान की, मेरे भीतर उस समय बारूद थी देश प्रेम की, लेकिन पता नहीं यार आज तुमने कैसी बारूद मेरे अंदर भर दी है, मैं अपने कवच के भीतर कसमसाता हूँ, कितना बदनसीब हूँ मैं, आजकल मैं अपनों के लिए अपनों के ही हाथ फंस जाता हूँ। वाह वाह वाह, कितना बदनसीब हूँ मैं। अरे नामर्दो तुमने मुझे कितना सस्ता कर दिया, पहले मैं लद्दाख का प्रहरी था, पहले मैं कश्मीर का प्रहरी था, आज तुमने मुझे इन आतंकवादियों के हाथ का गुलदस्ता कर दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां है, ये भगवान महावीर का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, यहाँ मोहम्मद पैगंबर का संदेश है, रक्त की धारा में मुझे मत बहने दो, मैं खुदीराम बोस के हाथों वाला, भगत सिंह के इरादों वाला, वो आजादी के पहले का बम बनना चाहता हूँ, मुझे फिर एक बार वही बम बनने दो, फिर एक बार वही बम बनने दो, फिर एक बार। भाई वाह किरण जोशी जी, जैसे आप अपने नाम से कह रहे थे कि आप जहाँ जाते हैं लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये तो आई नहीं आया है, लेकिन आज आपने यहाँ पे हास्य कविता के बाद एक बम वाली व्यंग कविता सुना के भी हम सबको सरप्राइज कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम आपको एक बात पूछे? हम मतलब कौन कौन? तो बोलो, मैं आपको एक बात पूछूं? मैं आपको एक बात पूछूं? जी पूछिए। सरप्राइज का विषय है जी, आपसे पूछा जाए आपने किसको सरप्राइज दिया है? भाई मैंने तो बहुत लोगों को सरप्राइज दिया है जिंदगी में, लेकिन मैं आज आपको एक बड़ी खूबसूरत सी गिफ्ट देना चाहता हूँ।
माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। जी जी, उसे देख के आप बड़ी ही प्रसन्न होंगी। जैसे ही उसे खोलेंगी आपको जिंदगी का अर्थ उसमें नजर आने लगेगा। ये तो एक्चुअली सरप्राइज है। दीजिए, क्या दे रहे हैं? मैं इन्हें दे रहा हूँ हिंदी से हिंदी शब्दकोश। एक मिनट, इंग्लिश टू हिंदी, उर्दू टू हिंदी, फारसी टू हिंदी, जी सब देखा है, हिंदी टू हिंदी शब्दकोश क्यों? ये आविष्कार सिर्फ आप ही के लिए हुआ है, क्योंकि आपका जैसा भाषा ज्ञान है उसमें हिंदी की भी इनको हिंदी बतानी पड़ती है। शैलेश जी, जी सब मुझे कहते हैं नेहा, वाह क्या बात है, तुम इतना अच्छा काम करती हो एंड ऑल, कभी आपको मुझसे कुछ कहने का दिल नहीं करता? तुम्हें देखता हूँ तो बस यही ख्याल आता है। क्या? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। वाओ, तो तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। थैंक यू। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। ओह माय गॉड, मैं तो क्या सोच रही थी रब, क्या अच्छा अच्छा मेरे बारे में सोच रहा है। आई एम सो हैप्पी, इट्स सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। आ भी जा है सुबह, भी जा, आज तो कुछ भी मांग लेती मिल जाता। है ना सरप्राइज? एक्चुअल सरप्राइज। क्या कमाल का सरप्राइज है ना? अब थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। ये जो तीनों गाने मैंने गुनगुनाए हैं मेरे लिए थे। आपके लिए माफ कीजिएगा, नहीं थे। ये तीनों गाने उनके लिए हैं जिनके रचयिता आज हमारे साथ है। इस देश का आदमी जब गजलें गुनगुनाता है तो ज़रूर कहता है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। न जाने कितने ऐसे शेर उनकी कलम से निकले और हम लोगों के जहन में बस गए। श्री निदा फाजली। आपकी तालियां सुनकर मुझे जोश मली आबादी की दो लाइनें याद आ रही हैं। जरूर सुनाए। कि कहती है कद्रदानी ये वतन ए जोश, कहती है कद्रदानी वतन ए जोश, हजरत अबाब इंतकाल फरमा जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात दरअसल क्या है, मैं पहले अमीर खुसरो का एक दोहा सुनाऊंगा ये जानने के लिए जी कि कहीं आप अपनी सांझी विरासत भूले तो नहीं है। अगर इस दोहे पर तालियां आएंगी तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो शैलेश जी को नमस्ते करके पीछे लौट जाऊंगा। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। क्या बात है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये 14वीं शताब्दी की भाषा थी। अब 21वीं शताब्दी में मैंने कुछ दोहे कहे जी, वो दोहे मैं सुनाऊंगा आपसे कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। क्या बात है। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और शैलेश जी, अब मैं जो दोहा सुना रहा हूँ, टेलीपैथी तो आज की साइंस है, दोहा सुनिए जी। कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार। वाह वाह वाह, मैं रोया परदेश, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और बम्बई में रहता हूँ और बम्बई में छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते हैं। एक बच्चा बाहर निकल कर देखता है और आश्चर्य करता है, और वो मैंने दोहा बनाया उसको जी, कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान। मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देखकर
मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। भाई क्या बात है। और अभी हमारे देश में कुछ साल महीने पहले अगेंस्ट करप्शन एक कैंपेन चला था, एक दोहा सुन लीजिए। सुना है, अताओ। नक्शा कहते हैं मैप को, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान। आहा, नक्शा लेके हाथ में बच्चा है हैरान। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है नेता साहब, वाह वाह। और इलेक्शन होता है, अमेरिका में भी हुआ, अभी इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में होगा और यहाँ भी होता रहा है। एक दोहा सुन लीजिए कि ईसा ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख। आहा, इलेक्शन होने वाला जी। ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भी। क्या बात है भाई, वाह भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे निजाम साहब। और एक दुहा सुन लीजिए, माँ से बड़ा फरिश्ता धरती पर भगवान ने पैदा नहीं किया दूसरा जी। कि निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद। निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। क्या बात है, आहा भाई बहुत अच्छे। चर्च को कहते हैं गिरजा, गिरजा में ईसा बसे मस्जिद में रहमान। गिरजा में ईसा बसे मस्जिद में रहमान, और माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान, भाई वाह। और इस क्रम का आखिरी दोहा है जी, कि मुझ जैसा एक आदमी निदा फाजली, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मैं कबीर दास का आपने नाम सुना होगा, अमीर खुसरो के 150 साल के बाद अगर दूसरी गज़ल मिलती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब कबीर दास में मिलती है। वो है कि हमन है इश्क मस्ताना जी, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसको मैंने चुराया था एक फिल्म के लिए और गाना लिखा था, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए इश्क कीजिए इश्क कीजिए, चार बार इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई वाह 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 वाह, निदा फाजली एक ऐसा नाम होता है जो पर्याय है खूबसूरत गजल का, जो पर्याय है खूबसूरत दोहों का, और जो पर्याय है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का। वाह वाह क्या बात है कि मंच में, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, अभी जब भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है उसमें इस वर्ष पद्मश्री श्री निदा फाजली जी को भी दी जा रही है, हम उनके लिए उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। निदा साहब, तमाम पुरस्कार दुनिया में न जाने कितनी जगह आपको दिए गए और दिए जाएंगे और दिए जा रहे हैं, लेकिन वाह वाह क्या बात है के लिए सौभाग्य है कि आज इस मंच पे हम आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित होना चाहते हैं। आइए मिलके सम्मान करें हम निदा फाजली साहब का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले, अब सबके साथ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस कवि को जिस शायर को यहाँ सम्मानित करते हैं उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित रहता है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे साथ श्रीमती निदा फाजली यानी कि मालती जोशी जी हमारे साथ हैं, मालती भाभी और बिटिया तहरीर दोनों हमारे साथ हैं। मालती भाभी स्वागत है आपका। आप स्वयं मैं जानता हूँ कितना खूबसूरत गाती हैं और गज़लों के प्रति आपका अनुराग कितना ज़बरदस्त है। निदा फाजली की शरीक हयात होने के क्या माने, क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतने अच्छे हम सफ़र मिले हैं। क्या बात।
ये इतने लोकप्रिय शायर हैं, इतने पॉपुलर हैं, मैं बरसों से जानता हूँ निधा साहब को, और मुशायरों के अंदर हम साथ हमेशा रहे। जब इतना व्यक्ति व्यस्त रहता हो तब कोई शिकायत होती है कभी कभी? नहीं, शिकायत का कोई सवाल ही नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, शायद मेरे लिए ही कहा हो, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। भाई क्या बात है, क्या बात है। तहरी, स्कूल में जब लोगों को लगता होगा कि आप निधा फाजली की बेटी हैं, इतने पॉपुलर शायर, इतने बड़े अजीम शायर, तब आपको लोग क्या कहते हैं और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें पापा की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जब मुझे पैसे देते। ये होती है बच्चे की सच्चाई और मासूमियत के जब वो पैसे देते हैं तब बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मालती भाभी, हम आपसे चाहेंगे कि आप दो शेर गुनगुना दें, अगर निधा साहब को डेडिकेट करते हुए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल, धड़कता बहुत है। हाय हाय, नहीं मानता दिल, धड़कता बहुत है। इसे जब भी पढ़ना, अकेले में पढ़ना, तेरे नाम का खत महकता बहुत है। भाई क्या बात है, भाई वाह 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 वाह। निधा साहब ने अपनी एक खूबसूरत गजल में दो शेर कहे थे कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। शैलेश जी, मौके पे चौका। अच्छा, आपने हमें सरप्राइज दिया, हम आपको सरप्राइज देंगे। हमें मतलब, मैंने सिर्फ तुम्हें। आपने मुझे सरप्राइज दिया जी, मैं आपको सरप्राइज दूंगी। अच्छा क्या? टिंग टिंग। बोलते समय सांस लेने के 101 तरीके। आप इतना फास्ट बोलते और इतना ज्यादा बोलते कि आप सांस लेना भूल जाते। आप जानती हैं कि मैं इतना तेज क्यों बोलता हूँ? क्यों? ताकि एक सेकंड के हजारवें हिस्से में भी मुझे ये ख्याल ना आए कि तुम पास में खड़ी हो। खैर, हम इसे यहीं छोड़ते हैं इस बातचीत को, लेकिन हम बात करते हैं उनसे जो जिंदगी के अंदर कई चीजों के तरीके जानते हैं। भारत का आम आदमी महंगाई से लड़ने का तरीका जानता है, भ्रष्टाचार से लड़ने का तरीका जानता है, कम कमाई में भी जीने का तरीका जानता है, और सबसे बड़ी बात, कवि हो ना हो लेकिन कविता लिखने का तरीका जानता है। सुनते हैं। चूहे ने शेनी को प्रपोज किया, गिफ्ट दिया उसे रेड रोज। शेनी ने कहा सूरत अपनी देख, चूहे ने कहा सूरत पे क्या जाती है पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। बागों में फूल खिलते ही रहेंगे, रात के दीपक जलते ही रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। कंजूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हो, भिखारी का भी रुख मोड़ देते हो, महान है आपकी कंजूसी जो नहाने के बाद भी पानी छोड़ देते हो। ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम सुबह उठ कर नहा लेते, आप मुंह भी नहीं धोते। जोर से चली हवा उड़ गए आप, जोर से चली हवा उड़ गए आप, फिर क्या, रुक गए हवा गिर गया। तो ये थे हमारे आम आदमी जो अपने अंदाज में बात कहते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप और मैं और हम सब मिलके इंतजार कर रहे हैं हमारे छुपे रुस्तम का, हमारा वो छुपा रुस्तम जो आएगा और सुनाएगा कुछ ऐसा कि आप कहेंगे भाई वाह, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। अगर आपके पास उदासी का पतझड़ है तो उसे वो बसंत में तब्दील कर देगा, जो आज का हमारा छुपा रुस्तम है। मूलतः सीतामढ़ी बिहार के और इन दिनों मुंबई में प्रवास करते हैं बसंत आर्या। बहुत प्यार मोहब्बत की बात यहाँ चल रही थी, मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है किरण जी। चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनिएगा जी। कि एक रोज एक लड़की पे मेरी नजर गई, वो पेशे से डॉक्टर थी, वो दिल में उतर गई, तो शादी की पहली रात ही ये हादसा हुआ, किडनी उड़ा के मेरी वो जाने किरण गई। और शैलेश जी, जी एक बार मेरी शादी हुई तो कैसे हुई और शादी के बाद क्या हुआ, एक कविता के मार्फत से प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत, सुना। सुनिएगा। कि जब मेरे जवान होने का नोटिस किसी ने भी नहीं लिया, तो मैंने अखबारों में वैवाहिक विज्ञापन दिया,
पर जाने कौन से नक्षत्र किन ग्रहों से टकराने लगे। जवाब में लड़कियों के पिताओं के नहीं उनके पतियों के पत्र आने लगे। अच्छा कि मेरी लेकर जाओ। खैर पता नहीं कैसे अगले हफ्ते एक पहलवान जी ने अपनी लड़की के लिए मेरे पिताजी से संपर्क साधा। बोले दूर हो जाएगी लड़के की सभी बाधा। लड़की क्या है, ब्यूटी क्वीन है, खूबसूरत है, हसीन है, गाने में कुशल है, बजाने में प्रवीण है। लड़का जितना चाहे दहेज ले, टीवी फ्रिज कार सोफा जो चाहे सहेज ले। और पहलवान की बेटी है तो क्या खाली हाथ आएगी। अरे सास ससुर के हेल्थ के लिए एक भैंस भी साथ लाएगी। अच्छा भैंस भी साथ लाएगी। भैंस की बात सुनते ही पिताजी ने हामी भर दी। अच्छा भैंस की बात सुन के पिताजी, क्या भैंस पिताजी की बात सुनते ही पिताजी ने हामी भर दी कि अब मजे से जिएंगे। अरे लोगों के नल में तो साफ पानी नहीं आता, अपन खालिस दूध पियेंगे। तो अगले हफ्ते हम पहलवान जी के घर पिताजी के साथ लड़की देखने के लिए गए। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को। क्या बात है। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को। दोनों में कोई अंतर नहीं था जी। आवाज दोनों की अच्छी थी, आंखों पे पट्टी बांध ले तो पता लगाना मुश्किल था कि लड़की गा रही है या भैंस रंभा रही है। वो तो पहलवान जी की आंखें बिल्कुल ठीक थी, वरना मेरी जैसी आंख वाला तो गजब ही ढाता। अरे भैंस को तो जा बेटी कहकर घर में भेज देता, लड़की को तबेले में बांधाता। लड़की मुझे पसंद आ गई और भैंस पिताजी को भा गई। परिणाम स्वरूप अगले ही महीने दोनों हमारे घर आ गई। अब शादी के बाद की क्या बताऊं, पिताजी ने तो गजब ही कर दिया। अच्छे अच्छे लोग उनसे कुछ कह नहीं पाते थे। अरे मेरी बीवी को कोई काली कह दे तो कह दे, उनकी भैंस को सांवली कह दे तो बिगड़ जाते थे। अच्छा क्या बात है। और भी गजब हुआ भाई, कुछ दिनों बाद पत्नी मायके जाकर अपनी मम्मी को भी साथ ले आई। मैंने कहा पिताजी ये पत्नियां मम्मी को साथ क्यों ले आती है। पिताजी बोले बेटे मुसीबत कभी भी अकेले थोड़े ही आती है। बेटे मुसीबत कभी भी अकेले थोड़े ही आती है, अब तो तेरे जीवन का रंग ही बदल जाएगा। और 25 साल बाद बहू कैसी दिखेगी इस सासू जी को देखकर अभी से पता चल जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। यार दोस्तों की क्या बताऊं कि किस तरह सताते, घर आते, चाय पीते, बिस्किट खाते और मुझसे कहते भाभी जी वर्ल्ड का 8वां वंडर है। मैं क्या कहता कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर है। एक तो पीछे ही पड़ गया, बोला व्हाई डिड यू मेक दिस ब्लंडर, आई सेड टू टेस्ट द थंडर। अब ये तो पता था कि लड़की गाने में कुशल है, बजाने में प्रवीण है, पर ये क्या पता था कि इस तरह से सताएगी मुझको। अरे गाएगी तो कभी कभार सुबह शाम बजाएगी मुझको। क्या उधर पहले साल भैंस ने दूध दिया ज्यादा, दूसरे साल हो गया उसका आधा, तीसरे साल की बात ही निराली है, भैंस ने दूध नहीं देने की कसम ही खाली है। उधर पहले साल मैं चिल्लाता था, पत्नी सुनती थी, दूसरे साल पत्नी चिल्लाने लगी, मैं सुनने लगा, तीसरे साल हम दोनों चिल्लाते हैं, पड़ोसी सुन रहे हैं, घर के दरवाजे पर बैठकर मैं और मेरे पिताजी दोनों अपना अपना सिर धुन रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई बसंत आर्या, आपने बेहद अच्छी कविता सुनाई और सचमुच छुपा रुस्तम के रूप में आपने आज जो यहाँ प्रवेश लिया है, वाह वाह क्या बात है कि मंच पे आप कल तक सीतामढ़ी बिहार के थे, फिर मुंबई के हो गए और आज के बाद आप सारी दुनिया के हो जाएंगे। और आज हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं एक छुपे रुस्तम के रूप में, कि इस कलम से आप ऐसी ऐसी कविताएं रचें कि लोग हर तरफ देखें तो कहे भाई जिधर देखो बसंत ही बसंत है। भाई वाह वाह वाह। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो एक मशहूर शायर कहते हैं कि मैं जो ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो जो हम ओढ़ेंगे बिछाएंगे महसूस करेंगे वो सब कुछ सुनाएंगे, लेकिन हमेशा आपको हंसाएंगे और आप और हम मिलकर कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है।